कमांडोज की हथियार के साथ आज की ट्रेनिंग अब खत्म हो गई है। एक मुश्किल अभ्यास के बाद अब चाय पीने की बारी है, लेकिन लगता है इनकी किस्मत में कुछ और ही है। वो अपना वेपन कौन छोड़ के गया है यहाँ पे? अफसोस ये है कि हथियारों की क्लास के ठीक बाद एक कमांडो ने फौजी होने के एक सबसे अहम नियम को तोड़ दिया है, यानी अपने हथियार को कभी नहीं छोड़ना। और एक आदमी की गलती की सजा सारे कमांडोज को भुगतनी पड़ेगी। बेसिकली नींद में थे जब किसी ने अपना वेपन कहीं पे रख दिया और दूसरी क्लास के लिए भागते जाना है। भाग के पहुंचे तो उनको पता लगा कि वेपन तो छोड़ा है अपना। इंस्ट्रक्टर्स की नजरों में ये एक बड़ा अपराध है। स्ट्रेंथ ऑफ एनी टीम इज डिसाइडेड बाय इट्स वीकेस्ट लिंक। द वीकेस्ट लिंक इज द वन जिससे ये सारी मिस्टेक्स हों। तो ये टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें कोई वीकेस्ट लिंक ना बचे। और इस गलती की कमांडो स्कूल में एक ही सजा है। उस नाले में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी बदबू इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी कि कोई उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। खूनी नाले का नाम सुनते तो नींद उड़ जाती है। इट इज वेरी स्मेली। आप कपड़े धोने के लिए देते हैं तो एक हफ्ते तक उसमें से स्मेल नहीं जाती है। पत्थर वत्थर कीड़े मकोड़े सब कुछ चलते हैं वहाँ पर। एक कमांडो की गलती का नतीजा ये सब भुगत रहे हैं। कमांडो अभियानों में एक आदमी की गलती सबकी मौत का कारण बन सकती है, इसलिए ट्रेनर के लिए पूरे ग्रुप को सजा देने का मकसद है कि आइंदा कोई भी कमांडो कभी भी अपना हथियार भूल ना पाए। ये सबक उन्हें हमेशा याद रहे, इसलिए उन्हें खूनी नाले की भयानक बदबू और गंदगी से गुजारा जा रहा है ताकि ये गलती दोबारा ना हो।